make a short and crisp resume. साहब जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको अपना रिज्यूम मेल करना होगा या इन वेबसाइट्स पे डालना होगा। अपना रिज्यूम इतना लंबा मत बनाइए कि उसे पढ़ने में दिक्कत हो, बोरियत महसूस हो। कई लोगों को रिज्यूम बनानी नहीं आती है। शॉर्ट एंड क्रिस्प। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा पढ़िए साहब आप, वो कहेंगे कि जो इंटरव्यूअर होता है वो मुश्किल से 6 सेकंड या 7 सेकंड ही आपके रिज्यूम को देखता है, उसके लिए वो कचरा है। और सबसे बढ़िया बात, जो एचआर होता है जब वो रिज्यूम देख रहा होता है, मान लीजिए किसी जॉब प्रोफाइल के लिए वो इंटरव्यू ले रहा है, उसके बाद बहुत सारे रिज्यूम आ गए, भाई naukri.com पे आप अकेले तो होगे नहीं, जो आपने रिज्यूम डाला होगा बहुत सारे लोग होंगे। तो एचआर जब बहुत सारे रिज्यूम को देख रहा होगा तो आप बिलीव करोगे कि 5 से 6 सेकंड में एक एचआर पहचान लेता है कि मुझे इस बंदे को इंटरव्यू में बुलाना है कि नहीं बुलाना है। समझिए इसका मतलब क्या हुआ। रिज्यूम मस्ट बी क्रिस्पी। काम की चीजें लिखो, बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को रिज्यूम बनानी नहीं आती, वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करते हैं, यह बात सच है, आप भी जानते हो। काम की चीज लिखने का मतलब समझिए, आपको बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं लोग, मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। जब इनिशियली मुझे याद है तो हमारे ना मैं कॉलेज में था तो हमारे वो आने वाली थी कंपनी, मैं थर्ड ईयर से हमारे रिक्रूटमेंट शुरू हो गया था तो कंपनियां आनी शुरू हो गई थी। हमें बोला गया रिज्यूम बनाओ। हमें पता रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, तो आप बिलीव करेंगे कि पूरी क्लास में मुश्किल से 2 या 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खुद से रिज्यूम बनाया, बाकी सब ने टीपा। हम रिज्यूम टीपते हैं, ये सच बात नहीं है। कई लोगों को रिज्यूम बनानी नहीं आती तो क्या करते हैं, किसी कंप्यूटर वाली शॉप पे जाएंगे, भैया रिज्यूम बना दो। खुद से लोग एडिट नहीं करते हैं रिज्यूम। अरे उसमें क्या चाहिए, उसमें ना कंपनी आपके फालतू की चीजें नहीं पढ़ने वाली, वो पता कट कॉपी पेस्ट है। काम की बात करो और उसमें स्पेशली वो चीज लिखो कि कंपनी आपको किस रोल के लिए इंटरव्यू में बुला रही है और क्या आप में वो की टैलेंट है। समझ में आता है, वो आपसे क्या पूछेगा। रिज्यूम जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होगे तो रिज्यूम में क्रिस्पी चीजें होनी चाहिए, बस इसके अलावा फालतू की चीजें मत लिखो। टिप टाप कोई फायदा नहीं है। मेन चीज दिखेगा कि ये जॉब प्रोफाइल है, ओके, कंपनी इसके लिए आपको बुला रही है इंटरव्यू में, क्या आप उसको फुलफिल कर सकते हो। बस मैं होता, मैं आपकी जगह क्या लिखता, मान लीजिए वीडियो एडिटर की जॉब है, मैं लिखता सर मुझे वीडियो एडिट करते हुए 10 साल हो गए। पहली चीज तो मैं ये लिखता, कहां कहां हो गए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखता। फिर उसके बाद मैं क्या करता, रेफरेंस के लिए लोगों के नाम लिखता जिनके वीडियो मैंने एडिट किए हैं। और अब मान लीजिए कि आप तो फ्रेशर हो, आपने अभी सीखा है, तो आप लिखिए साहब उसमें, सच लिखिए। अगर कोई वीडियो एडिटिंग की जॉब है तो आप लिखिए कि मैं वीडियो एडिटिंग में नया हूं, आई एम अ फ्रेशर, मेरी डिमांड भी कम है लेकिन मैंने मेहनत बहुत की है लर्निंग में, गिव मी अ चांस, मैं बहुत मेहनत करूंगा। एक और बात बता देता हूं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस लोगों की बजाय फ्रेशर्स पे अपना दाव खेलते हैं क्योंकि फ्रेशर्स मेहनत बहुत करते हैं। समझ में आ रहा है, तो इसलिए घबराइए मत, अपनी सच्चाई को छुपाइए मत, ये मत कहिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, 14 दिन पहले तुम पढ़ के आए हो, हैं? कैसे अरविंद रेड सर का वो जॉब वाला देखा था, उसमें 14 सर ने बोला कोरोना में बढ़िया नई स्किल पैदा करेंगे, 14 दिन में आपने वीडियो एडिटिंग सीखी जिसमें आपको अपने ढंग से कोई वीडियो बनाई भी नहीं है, वहां जाके फेंक रहे हो 10 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। Can't do that, man. सच बोलो उसमें, आपकी सच्चाई के नंबर मिलेंगे आपको, बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है, सच बोलिए, दिल खोल के बोलिए। अरविंद अरोड़ा, मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने हमेशा जब भी मैं गया हूँ ना, एक कॉन्फिडेंस के साथ गया हूँ। जब चीजें आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो सच भी बोलते हो और वो उसके काम की चीज भी नहीं है, वो आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा होता है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आज बड़े बड़े समझदार एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े समझदार एचआर आपकी हिम्मत पे, आपके कॉन्फिडेंस पे पैसा लगाते हैं। याद रखिएगा, आपकी हिम्मत और आपके कॉन्फिडेंस पे पैसा लगाते हैं। आप पे वो दाव क्यों खेलेगा, क्योंकि आप में हिम्मत है, आप में कॉन्फिडेंस है सच बोलने की। तो अगर आप में ऐसा है, यू कैन विन द जॉब।